अब हम द्रव अमोनिया में विलयन के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं जब वो द्रव अमोनिया से क्रिया करती हैं तो वो किस प्रकार से रंग देती हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब तनु विलयन होता है तो वो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चमकीला नीला रंग देते हैं, तो और जब सांद्र विलयन होता है तो ये कांसा रंग देते हैं, जैसा कि हमने क्षारीय धातु में भी देखा था। तो जब यहाँ पर क्रिया होती है द्रव अमोनिया के साथ किसी मेटल की, क्षारीय मृदा धातु में से किसी भी मेटल की, तो वो इस प्रकार से रिएक्शन होता है M प्लस X प्लस Y NH3। यहाँ पर NH3 को X प्लस Y के रूप में लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ जो अमोनिया के अणु हैं वो अमोनिएटेड जो धातु आयन है उसके साथ अटैच हो जाएंगे और कुछ जो है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बनाते हैं M NH3 होल X और 2 प्लस आयन, तो ये एक संकुल जैसा बना, ये कहलाएगा अमोनीकृत धातु आयन। और एक बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जिसमें सूत्र होगा 2 और बड़े ब्रैकेट के अंदर इलेक्ट्रॉन NH3 होल Y, तो इस तरह से बनता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो ये नीला रंग होता है ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और अमोनिया के क्षारीय मृदा धातुओं के विलयन को जब वाष्पित किया जाता है तो वाष्पित करने पर धातुओं के साथ हेक्सा अमोनिएटेड एक संकुल जैसा बनता है। तो M NH3 होल 6 और ब्रैकेट के ऊपर हम 2 प्लस चार्ज लगाते हैं, तो यहाँ पर एक संकुल यौगिक जैसा बनता है। जो इसका सांद्र विलयन होता है तो वहाँ पर ये जो नीला रंग है वो ब्रॉन्ज रंग में परिवर्तित हो जाता है, तांबे जैसा रंग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आयन्स जो हैं वो मिलकर क्लस्टर्स बना लेते हैं। अब हम क्षारीय मृदा धातुओं के जो कुछ रासायनिक यौगिक बनते हैं उनके विभिन्न गुणों के बारे में जानेंगे। तो इनके जो रासायनिक यौगिक बनाते हैं, कार्बोनेट हो, सल्फेट हो, हाइड्रोक्साइड हो, तो वो किस प्रकार से अपने अपने यौगिकों में गुण प्रदर्शित करते हैं उसको जानेंगे। तो जो ये क्षारीय मृदा धातु है इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जब ये इसे त्याग देते हैं और त्याग कर M2+ टाइप का आयन बनाते हैं, और इस आयन बनाने की प्रवृत्ति के कारण या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण का जो गुण इसमें है इस वजह से ये आयनिक यौगिक बनाते हैं। जो क्षारीय धातु हैं और क्षारीय मृदा धातु दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो क्षारीय मृदा धातु जो है वो अधिक नाभिकीय आवेश के कारण आकार में छोटे होते हैं, तो इसलिए क्षार धातुओं की तुलना में इसके जो यौगिकों की प्रकृति होती है वो कम आयनिक होती है। अब हम इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में जानेंगे। तो जब ये वायु के साथ क्रिया करते हैं तो MO प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, और कई प्रकार से जैसे दूसरे ऑक्साइड भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो BeO है, बेरिलियम का जो ऑक्साइड है, जो प्रकृति होती है वो सहसंयोजी होती है और इसका जो संभवन ऊष्मा का मान है वो बहुत अधिक होता है, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बहुत अधिक होता है और ये ऊष्मा के प्रति भी बहुत अधिक स्थायी होते हैं, अर्थात इनके जो ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, ये ऊष्मा के प्रति बहुत अधिक स्थायी होंगे बेरिलियम ऑक्साइड को यदि हम एक्सेप्शनल मान लें तो। तो बेरिलियम जो ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, उभयधर्मी होता है, अर्थात ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण बना सकते हैं। तो बेरिलियम ऑक्साइड जब क्षार की तरह क्रिया करेगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है, तो BeO प्लस 2HCl इज इक्वल टू BeCl2 प्लस H2O, और जब ये अम्ल की तरह कार्य करेगा अर्थात ये क्षार से क्रिया कर रहा है तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2BeO2 अर्थात सोडियम बेरिलेट बना और जल बना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेरिलियम ऑक्साइड दोनों प्रकार से क्रिया कर सकते हैं, उभयधर्मी नेचर के होते हैं, अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी क्रिया कर रहे हैं। तो बेरिलियम जो तत्व है वो बाकी सभी सदस्यों से कुछ अलग व्यवहार दर्शाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बाकी जितने भी तत्व हैं उनके जो ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं मतलब ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो इनके जो हाइड्रोक्साइड का क्षारीय प्रवृत्ति का मान है वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि होती है, तो मेटल और जो OH आयन है इनके बीच का जो बंध है वो दुर्बल होता जाएगा, तो OH
या हाइड्रोक्साइड आयन देने की जो प्रवृत्ति है वो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का जो ऑक्साइड है जब वो जल से क्रिया करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जब भी कोई धातु जैसे यहाँ पर धातु का ऑक्साइड है वो जल से क्रिया कर रहा है तो जो हाइड्रोक्साइड बना है उसकी प्रवृत्ति जो है वो क्षारी होगी और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। यहाँ पर मैग्नीशियम का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैग्नीशियम जब जल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और H2 बना, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये जब वापस जल से क्रिया करता है तो यहाँ भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बना, तो Mg+2H2O इज इक्वल टू MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है या जो कैल्शियम है इनके जो ऑक्साइड हैं वो क्षारी प्रवृत्ति के होते हैं। हाइड्रोक्साइडों की विलेयता यदि हम देखें तो क्षारीय जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से यदि हम नीचे की तरफ आते जाते हैं तो उनकी क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो जैसा हमने देखा कि आकार में वृद्धि होती है, मेटल और OH आयन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो अधिक हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो हाइड्रोक्साइड आयन देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। इसी प्रकार जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे बेरिलियम ऑक्साइड उभयधर्मी नेचर का होता है तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी उभयधर्मी नेचर का होता है, अर्थात ये भी अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण का निर्माण कर सकते हैं। तो जब भी यहाँ पर जब उदासीनीकरण की अभिक्रिया में जैसा हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, तो यहाँ भी उसी प्रकार से क्रिया होगी यदि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहाँ उभयधर्मी नेचर का है। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब किसी अम्ल से क्रिया करेगा तो अम्ल से क्रिया करने पर यहाँ जैसे अगर हम HCl का उदाहरण लेंगे तो BeOH होल ट्वाइस प्लस 2HCl प्लस 2H2O इज इक्वल टू BeOH होल 4 और पूरा ब्रैकेट बंद करके बाहर हम लिखते हैं Cl2, यानी टेट्रा हाइड्रोक्सो बेरिलियम सेकेंड क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर एक संकुल यौगिक बना है। इसी प्रकार जब ये अम्ल की तरह कार्य करेगा तो ये क्षार से क्रिया कर रहा है तो BeOH होल ट्वाइस प्लस 2OH- तो 2OH- किसी भी क्षार को दर्शाता है, हम क्षार में से हाइड्रोक्साइड आयन को ले रहे हैं, इज इक्वल टू BeOH होल 4 और ब्रैकेट क्लोज करके 2- चार्ज। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दो यहाँ रिएक्शन है जो कि इसके उभयधर्मी नेचर को दर्शाता है, अम्ल और क्षार से क्रिया करके ये लवण और जल बनाते हैं। इसके हैलाइड के नेचर के बारे में हमने डिटेल में पहले ही पढ़ लिया है कि किस प्रकार से बेरिलियम क्लोराइड डाइमर के रूप में पाया जाता है और बाकी सब क्लोराइड का जो नेचर है, हैलाइड का, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सभी का जो नेचर है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम जानेंगे कि ऑक्सो अम्लों के जो लवण होते हैं तो ये ऑक्सो अम्ल के लवण भी बनाते हैं, तो इसमें हम एक एक करके देखेंगे। पहला हम देखते हैं कार्बोनेट। तो जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं उनके लवण के विलयन में यदि सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट मिला दिया जाता है तो क्षारीय मृदा धातुओं के कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। यानी पहले हम कार्बोनेट कैसे बनते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोनेट बनाने के लिए जो उसी परिवार का एक हम ले रहे हैं कैल्शियम, उसका क्लोराइड लेते हैं और उस पर सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं, तो CaCl2 प्लस Na2CO3 इज इक्वल टू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2NaCl। यदि हम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, M यहाँ सभी क्षारी मृदा धातुओं को बता रहा है, तो MOH होल ट्वाइस प्लस CO2, तब भी बनता है MCO3 प्लस H2O। इस तरह का एग्जाम्पल हम जब प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो उसको हम कैल्शियम के द्वारा भी M को रिप्लेस करके समझ सकते हैं कि CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 इज इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। तो हमने देखा कि जब हम कार्बोनेट मूलक का परीक्षण लैब में करते हैं तो चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो एक दुधिया अवक्षेप प्राप्त होता है, चूने का पानी पूरा दुधिया हो जाता है। इसका कारण है कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। कार्बोनेट की विलेयता की जब हम बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर इसकी जो विलेयता है वो घटती जाती है। अब यहाँ पर बेरिलियम कार्बोनेट जो है उसका जो नेचर है वो बाकी सबसे थोड़ा अलग होता है, तो बेरिलियम कार्बोनेट जल में विलेय होगा और मैग्नीशियम और बेरियम कार्बोनेट लगभग
अविलेय होते हैं। तो क्षारीय मृदा धातुओं के आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी उसके लिए जो जलयोजन ऊर्जा का मान है वो घटता जाता है। हमने पहले भी देखा है कि जब आयनों का आकार बढ़ता है तो जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता जाता है, यानी जल के जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर विलेयता का मान भी घटता जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनों के आकार में वृद्धि होगी और जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। तो जो इसके कार्बोनेट होते हैं इनकी विलेयता कम होती जाएगी। कार्बोनेटों को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। ये रिएक्शन आप कई बार पढ़ चुके होंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जब अपघटन होता है तापमान देते हैं उच्च तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है, और यदि मैग्नीशियम कार्बोनेट लेंगे तो MgO प्लस CO2 बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उसी का ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ऊपर से नीचे जब हम समूह में आते हैं तो स्थायित्व जो है वो बढ़ता जाता है क्योंकि जो धनायनों का आकार है वो बढ़ेगा। तो धनायनों का आकार बढ़ने पर जो तापीय स्थायित्व का मान है वो बढ़ता जाता है। ये हम बात कर रहे हैं कार्बोनेट की, क्योंकि जब हम कार्बोनेट इस परिवार के यौगिक जो है कार्बोनेट जब बनाते हैं, जैसे कि अगर बेरियम कार्बोनेट की बात करें या कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, तो इनके जो धनायन है उसकी जब तुलना करेंगे तो ऊपर से नीचे आने पर इन धनायनों का आकार बढ़ता जाएगा। तो धनायनों के आकार के बढ़ने के कारण जो कार्बोनेटों का स्थायित्व है वो भी ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। तो यहाँ जो कार्बोनेटों के स्थायित्व का क्रम है वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। तो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट। अब हम बाइकार्बोनेट के बारे में जानेंगे। जो इसके बाइकार्बोनेट है वो कैसे बनते हैं पहले हम ये जानेंगे। तो धातु कार्बोनेट जो है उस पर जब जल की क्रिया कराई जाती है और उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है तो बनता है धातुओं के बाइकार्बोनेट। जैसा हमने चूने के पानी वाला रिएक्शन समझा कि जब हम चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और जब हम बहुत देर तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते रहेंगे तो वो जो दुधिया रंग है वो हट जाता है। तो दुधिया रंग वापस से रंगहीन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो सेम वैसा ही रिएक्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि M2CO3, M यहाँ पर बेरिलियम को छोड़कर हम सभी क्षारीय मृदा धातु के लिए लिख सकते हैं, तो M2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू MHCO3 होल 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ मेटल का बाइकार्बोनेट बनता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं बाइकार्बोनेट का बनना। तो बाइकार्बोनेट के बनने के बाद अब हम इसके कुछ नेचर के बारे में जानेंगे। उसके लिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं और क्षारीय मूलकों की पहचान करते हैं तो शून्य समूह से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो शून्य समूह से बढ़ते बढ़ते हम फिफ्थ समूह तक पहुँचते हैं। जो फिफ्थ ग्रुप होता है उसे BSC ग्रुप कहा जाता है, जिसमें कि बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम। तो BSC तीनों में यहाँ पर 2+2+2+ लिखा हुआ है और ये तीनों क्षारीय मूलक हैं और फिफ्थ ग्रुप में ये प्रेजेंट होते हैं। और फिफ्थ ग्रुप के लिए जो समूह अभिकर्मक होता है वो अमोनियम क्लोराइड ठोस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इनकी अधिकता में हम ले रहे हैं अमोनियम कार्बोनेट। तो ये सब मिलाने पर जब हम इसका कोई लवण लेते हैं, चाहे बेरियम हो, स्ट्रॉन्शियम हो, कैल्शियम हो, तो इनके लवणों में जब अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अधिक मात्रा में अमोनियम कार्बोनेट, ये सारी चीज़ें जब मिलाते हैं तो यहाँ पर कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो अविलेय होता है। फिर हम आगे एक एक करके प्रत्येक जो आयन है इसमें बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, उसका परीक्षण लगातार करते जाते हैं। तो यहाँ भी इसके अविलेय कार्बोनेट के बनने के कारण ही हम यहाँ पर बेरियम, स्ट्रॉन्शियम या कैल्शियम की पहचान कर पाते हैं। और ये जो बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम की जब हम पहचान करते हैं तो पहले बेरियम का करना है, उसी क्रम में आगे बढ़ना होता है, पहले बेरियम आयन, फिर स्ट्रॉन्शियम आयन और उसके बाद कैल्शियम आयन। तो इस तरह से परीक्षण करते हैं।
अब हम इस परिवार के जो सल्फेट है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे हम मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट किसी की भी बात करते हैं तो ये सभी सफ़ेद ही दिखाई देते हैं। सभी के भौतिक गुण को अगर हम देखें तो रंग में ये सभी सफ़ेद होते हैं और ये सभी ठोस होते हैं और ताप के प्रति भी स्थायी होते हैं। यहाँ पर जो इसके सल्फेट होते हैं, जब ये जल के साथ इनको मिलाते हैं तो ये क्रिस्टलीकृत जल के रूप में रहते हैं और अपने में जल के अणुओं को जोड़े रखते हैं। तो यदि बेरिलियम सल्फेट को देखें तो बेरिलियम सल्फेट में 4 जल का अणु जुड़ा होता है। यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट को देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट में 7 जल के अणु अटैच्ड होते हैं और कैल्शियम सल्फेट में 2 जल के अणु अटैच्ड होते हैं। तो इस तरह से सल्फेट जो यहाँ पर है विभिन्न, उसमें जल के अणुओं के क्रिस्टलीकरण के कारण एक क्रिस्टलीकृत सल्फेट लवण दिखाई देते हैं। और सल्फेटों की जो विलेयता है, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो विलेयता है वो कम होती जाती है। यानी हम बेरिलियम से बेरियम तक जब पहुँचेंगे तो इनके सल्फेट कम विलेय होते हैं। तो स्ट्रांशियम, बेरियम, इनके जो सल्फेट हैं बिल्कुल अविलेय होते हैं, जबकि कैल्शियम सल्फेट अल्प विलेय होगा और बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये जल में विलेय होते हैं। तो इन सभी चीज़ों से निष्कर्ष यही निकलता है कि इस परिवार के जितने भी सल्फेट हैं, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो सल्फेटों की विलेयता जो है वो कम होती जाती है। सल्फेट का जो स्थायित्व है, इसे गर्म किया जाता है तो ये ऑक्साइड बनाते हैं और सल्फर ट्राईऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं। यदि यहाँ पर हम मैग्नीशियम सल्फेट का उदाहरण ले लें तो मैग्नीशियम सल्फेट जब अपघटित होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड बना SO3 बनता है। तो बेरिलियम हो या मैग्नीशियम आयन होगा, इनकी जो जल योजन एंथैल्पी का मान है वो अधिक होगा क्योंकि इनका आकार छोटा है। तो जालक ऊर्जा की तुलना में चूँकि इनकी जल योजन ऊर्जा का मान अधिक है, इसलिए इनके जो सल्फेट होते हैं वो जल में अधिक विलेय होते हैं। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो बेरियम सल्फेट को देख रहे हैं कि वो कम विलेय है। ये कम विलेय है और इस गुण के कारण ही हम यहाँ सल्फेट आयन का परीक्षण जब अपने प्रयोगशाला में करते हैं, किसी भी लवण में जब हम सल्फेट मूलक की पहचान करनी होती है तो उस परीक्षण में आप देखिए कि डाइल्यूट HCl डाला जाता है, बेरियम क्लोराइड डाला जाता है, तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षय प्राप्त होता है जो कि अविलेय होती है। तो ये एक सल्फेट आयन की पहचान करने में भी इस गुण का अनुप्रयोग के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। इस परिवार के जो नाइट्रेट हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के नाइट्राइट जब बनते हैं तो धातुओं के जो कार्बोनेट हैं, हाइड्रोक्साइड है या धातु जो है, जब ये डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट होते हैं तो इस परिवार के नाइट्रेट बनते हैं। तो इसके अलग अलग रिएक्शन हैं और सभी में हम इसे कॉमन रूप से समझेंगे, M मानकर समझेंगे, तो वो सभी में अप्लाई कर सकते हैं आप अलग अलग तत्वों के लिए। जैसे अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो हम इसे MO करके लिख सकते हैं, जब हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो MOH होल ट्वाइस के रूप में लिखेंगे और जब हम कार्बोनेट की बात करेंगे तो MCO3 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उन सब के लिए हम M को डिनोट करते हुए एक कॉमन रिएक्शन पढ़ेंगे और आप इसे सभी तत्वों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि इसके ऑक्साइड यानी MO पर डाइल्यूट HNO3 2HNO3 से रिएक्शन हो रहा है तो MNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 बना। जब हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होगा तो MOH होल ट्वाइस प्लस 2HNO3 इज इक्वल टू MNO3 होल ट्वाइस प्लस 2H2O बना। इसी प्रकार MCO3 प्लस 2HNO3 यानी कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट पर जब नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन होता है तो MNO3 होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O बना। मतलब मेटल का नाइट्रेट बना, मेटल का नाइट्रेट, यहाँ भी मेटल का नाइट्रेट, लेकिन तीनों को बनाने वाले जो प्रारंभिक अभिकारक है वो भिन्न भिन्न है, एक में ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट। इस तरह से आप इसे एक कॉमन रिएक्शन के रूप में समझ सकते हैं तो आपके लिए बाकी रिएक्शन बनाना बहुत आसान होगा, बहुत सारा रिएक्शन आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह आसानी से आप नाइट्रेट बनाने की विधियों को समझ सकते हैं। यहाँ पर जो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है वो जल के साथ क्रिस्टलीकृत रहता है, यानी वो 6 जल के अणुओं को अपने साथ जोड़े रखता है, तो हम इसे हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट भी कह सकते हैं।
जो बेरियम नाइट्रेट होता है उसमें जल के अणु नहीं जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जल के अणु जब जुड़ते हैं तो उसके लिए ये होना चाहिए कि जो आयन है उसका आकार छोटा होना चाहिए। तो जब आयनों का आकार बढ़ता है तो जल योजन ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जो बेरियम है उनके जो नाइट्राइट है वो क्रिस्टलीकृत नहीं होते हैं जल के साथ। सभी जो नाइट्रेट होते हैं जब उसे गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर वो अपघटित होंगे। तो जैसे कि हमने कार्बोनेट में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया को हम देखेंगे नाइट्रेट के लिए। तो यहाँ भी हम कॉमन रिएक्शन देख रहे हैं, 2MNO3 whole twice is equal to 2MO plus 4NO2 plus O2। तो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बना और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस बनी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रेट विघटित हो रहा है। यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन पढ़ के हम सभी तत्वों के नाइट्रेट के अपघटन को समझ सकते हैं। हर परिवार का जो पहला सदस्य होता है प्रत्येक वर्ग का, वह अपने बाकी सदस्यों से कुछ असामान्य गुण दर्शाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा क्षारी धातु में। तो यहाँ पर क्षारी मृदा धातुओं का जो पहला सदस्य है वो है बेरिलियम। तो ये भी बहुत ही विलक्षण प्रकृति वाला होता है और बाकी सदस्यों से अलग गुण दर्शाता है। तो पहला कारण यही होगा कि इसकी जो परमाणु त्रिज्या या इसकी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो बहुत कम होती है। और चूँकि इसकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बहुत कम है तो इसकी जो आयनन ऊर्जा का मान है वो भी बहुत अधिक होगा। क्योंकि परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के कम होने पर आयनन ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। तो उच्च आयनन ऊर्जा वाला ये तत्व हो जाएगा। इसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके जो आयन्स होंगे इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी अधिक होगी। तो आकार छोटा होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति भी अधिक होगी। तो ऋण विद्युता का मान इसका उच्च होता है। जो बेरिलियम है ये चूँकि दूसरे आवर्त का सदस्य है तो इस वजह से इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। और डी ऑर्बिटल के एब्सेंट होने के कारण बहुत सारे इसके जो गुण हैं वो बाकी सदस्यों से इसे अलग बनाते हैं। इनके जो ऑक्साइड हैं या जो हाइड्रोक्साइड है, जैसा हमने देखा अभी कि ये अलग व्यवहार दर्शाते हैं, तो इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी नेचर के होते हैं, जबकि बाकी सदस्यों के जो ऑक्साइड हैं हाइड्रोक्साइड हैं वो क्षारी प्रवृत्ति के होते हैं। बेरिलियम की जो ध्रुवण क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। और बेरिलियम की जलयोजन ऊर्जा का मान भी बहुत अधिक होगा क्योंकि बेरिलियम अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। अब हम जानेंगे कि बेरिलियम के ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो इसे बाकी सदस्यों से कुछ अलग बनाते हैं और उससे संबंधित जो कुछ रिएक्शंस है उसको हम जानेंगे। तो बेरिलियम कठोर होता है और बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं वो सब सॉफ्ट होती हैं, मृदु होती हैं। बेरिलियम चूँकि इसका जो जालक ऊर्जा का मान है वो बहुत उच्च होता है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बाकी सदस्यों से उच्च होगा। बेरिलियम हाइड्रोजन के साथ सीधे नहीं जुड़ पाता है, बाकी सभी सदस्य हाइड्रोजन के साथ सीधे जुड़ जाते हैं। बेरिलियम के जो ऑक्साइड हैं हाइड्रोक्साइड हैं ये उभयधर्मी होते हैं, जैसा रिएक्शन में भी हमने देखा कि बेरिलियम ऑक्साइड जब अम्ल से क्रिया करता है तो किस प्रकार रिएक्शन होगा, क्षार से क्रिया करेगा तो किस प्रकार से रिएक्शन होता है, अलग अलग में ये अलग अलग तरह से यौगिकों का निर्माण करते हैं। बेरिलियम का जो आयन है ये उच्च ध्रुवण क्षमता वाला होता है क्योंकि आकार इसका छोटा है, और उच्च ध्रुवण क्षमता होने के कारण इसका सहसंयोजक यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है इसकी अधिक हो जाएगी क्योंकि ये ध्रुवण क्षमता इसकी अधिक होती है। और बाकी जितने भी सदस्य हैं वो प्रायः देखा गया है कि आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो बेरिलियम फ्लोराइड ये आयनिक प्रकृति के होते हैं और बाकी बेरिलियम के जितने भी यौगिक होंगे उसमें सहसंयोजी गुण दिखाई देते हैं। बेरिलियम बहुत अधिक तापमान पर जल से क्रिया नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे कैल्शियम का उदाहरण हम देखेंगे तो कैल्शियम जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। तो कैल्शियम प्लस 2H2O इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो इस प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो यहाँ कैल्शियम
इसके लिए ये कहा गया है कि बेरिलियम से अलग है, बेरिलियम की क्रिया नहीं हो पाती है, उच्च तापमान पर ये जल से क्रिया नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर इसके जो सहसंयोजक लक्षण हैं, तो सहसंयोजक लक्षण वाले कुछ यौगिकों के बारे में हम जानेंगे। बेरिलियम का जो कार्बाइड है वह सहसंयोजक प्रवृत्ति वाला होता है। जब इसकी क्रिया जल से होती है तो ये मेथेन और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित होता है। Be2C + 4H2O = मेथेन CH4 बना और BeOH होल ट्वाइस बनता है, और यहाँ पर हम इसे बैलेंस करने के लिए 2BeOH होल ट्वाइस लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो बाकी कार्बाइड हैं, बाकी सदस्य जो है उनके जो कार्बाइड होते हैं वे आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो आयनिक प्रकृति के हैं और जल से जब ये क्रिया करते हैं तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो CaC2 कैल्शियम कार्बाइड +2H2O = C2H2 + CaOH होल ट्वाइस। तो ये प्रयोगशाला विधि भी है एसिटिलीन निर्माण की। कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की क्रिया होती है तो एसिटिलीन बनता है। बेरिलियम के द्वारा जो यौगिक बनते हैं तो वहाँ पर उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है, लेकिन बाकी समूह के जितने सदस्य हैं उनमें चूँकि डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो वे अपनी उपसहसंयोजन संख्या का मान बढ़ा सकते हैं, वह 6 तक भी हो सकती है, क्योंकि बाकी सभी सदस्यों में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और बेरिलियम में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है।